करंट लाइफ अपडेट, वापस आ गया 3 बहुत ही फैबुलस से दिन बिता के वापस अपने घर। नानी के घर अशर को इतना मजा आया ना, जब से आया कह रहे मामा वापस चलते हैं। ये देखो बेटा वापस कैसे जाएं, ये देखो आपकी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, हम मोरक्को जा रहे हैं। एक ट्रिप से आई नहीं, दूसरी ट्रिप की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। बट ये है कि वो जो 3 दिन थे ना बड़े एंजॉयबल थे, बहुत मन लगा है ना। मामा बहुत मजा आया नानी के घर में, कितना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर था। मामा एक काम करो, मुझे भी सूटकेस में पैक कर दो ना, मैं भी तो इतना छोटू जाऊँ, मैं भी सूटकेस में पैक होके जाऊंगा। अपने डब्बे पैक कर रहा है, बहुत मस्ती करके आया लड़का। अजय शर नूडल्स खाते हो? मामा मुझे ये दे दो ना कैमरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी मन कर रहा है इसमें व्लॉगिंग करने का, दे दो ना। तो जाने से पहले घर में ना काफी सारे पार्सल्स आए, हमने अशर के लिए काफी सारी चीजें मंगाई थी, उसके ना कपड़े तो हमने सारे अनपैक कर दिए हैं। मैंने सोचा था कि उसकी वीडियो भी बनाऊंगी बट अभी ना टाइम नहीं बचा था, तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े अनपैक करें। बट अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं इनकी अनबॉक्सिंग रहती है। हर्ष चल ना नीचे इसकी अनबॉक्सिंग करे, इतने सारे डब्बे पड़े हैं। चल चल पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं। चलो मामा खोले। नानी के घर दोबारा कब जाएंगे मामा? चलो अभी मोरक्को जाएंगे, मोरक्को। तो मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ इतने बड़े बड़े हमारे जो डब्बे आ रखे हैं अमेज़न से। ओ भाई ऐसे लग रहा है किसी ने इसकी टेप पहले ही निकाल दी है। मैं हूँ वो मैं। ये क्या तिजोरी मंगाई है तूने? यस अशर को तिजोरी पैक करेंगे ना। अशर को तिजोरी पैक करेंगे। ये तो कुछ डब्बे डब्बे से आया अजीब अजीब से। बेटा इसके इतने सारे खिलौने हो गए ना, अब मैंने कहा इन सारे डब्बों में इसके खिलौने पैक कर देंगे। ये बेसिकली ना टॉय ऑर्गेनाइजर्स हैं। अच्छा लगा के दिखाते हैं फिर तो। ये अभी यही तो इसके अंदर अशर के टॉयज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्या सही चीज मंगाई है यार। पता अशर को भी पैक कर सकता है अगर इस शोर में चाहेगा ना, थोड़ी देर में इसमें पैक कर दूंगा। ठीक है देख रहे हो गाइस क्या बातें करता है। अगली चीज दिखाओ और अगला बॉक्स खोलते हैं। इसके अंदर क्या है? सेम वही सेम टॉय ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी हमारे घर में ना ओह उसकी एनर्जी लेवल देखो, खुश हो रहा है कह रहा मेरे टॉय। हमारे घर में ना अभी सिर्फ टॉयज ही दिखते हैं और तो कुछ है। ये क्यों ही खोल रही हूँ फिर मैं? और इस तीसरे वाले में इसमें कुछ अलग वाले हैं, कुछ अलग वाले देखते हैं फिर। चलो भाई ये वाला बॉक्स खोलते हैं। क्या है भाई इसके अंदर? देख है इसके अंदर भी ऑर्गेनाइजर है। चौकू लग गया। किसको मजा आता है वैसे ऐसे अनबॉक्स करने में चीजें? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे आता तो ये देख मुझे आता है। तुझे आजकल बहुत मजा आता है हर चीज। ब्लैक वाले थे, ये व्हाइट है। छोटे भी लग रहे हैं। यस फोटोज में तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे। मेरे से तो कुछ होगा भी नहीं। अभी ऑर्गेनाइज करके देखते हैं इसमें टॉयज, तभी पता चलेगा हमें। ये ट्रेज है इसकी। और आखिरी चीज अशर के लिए हमने एक गेम मंगाई थी। इसको ना टिश्यू पेपर इतने पसंद है, निकाल निकाल के खाता रहता है। तो ये गेम है जिसमें से टिश्यू पेपर निकाल निकाल के खा सकते हैं और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हर्ष निकाल रहा है अशर का टिश्यू बॉक्स। अशर अशर आजा। अशर ये देखो आपके लिए क्या है, टिश्यू पेपर। ये देखो इसमें से ऐसे निकालो। वाओ वाओ पापा पहला ऐसा गिफ्ट जो मुझे पसंद आया। वाओ अशर ने सारे एक साथ निकाल दिए, गिर भी दिए। भाई खुद भी गिर गया। इसको काफी पसंद आया मुझे लग रहा है। ये सारे टिश्यू एक बार भी निकाल दिया। अब दोबारा से लो एक टिश्यू आपका, एक टिश्यू एक पापा। से मेरा क्या होगा पापा, मुझे तो सारे चाहिए सारे। भाई इसको तो काबू करना ही मुश्किल हो गया है। चलो एक और चीज दिखा दे जब तक अशर खेल रहा है। चलो एटलीस्ट किसी चीज से खेल तो रहा है। पापा ये तो बहुत मजेदार गिफ्ट है, फिर भी मुझे ये डब्बा ज्यादा पसंद आ रहा है। इसकी खुशबू मुझको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये क्या है अक्षर? देखो शेप ऑर्गेनाइजर। वाओ क्या बढ़िया बढ़िया चीजें मंगाई हैं यार तूने। आओ अक्षर अब अक्षर को शेप सिखाएंगे। सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ट्रायंगल और फाइव साइड्स वाला नहीं बताया तूने क्या है? पेंटागन। हाय अक्षर बेटा खाना नहीं खाने लग गया, खाने लग गया बेटा। ये देखो यहाँ ऐसे ही ऑर्गेनाइज करो। ये देखो इसको खाते नहीं है अक्षर। पापा पर इसको तो खाने में भी बहुत मजा आ रहा है और गन मचाने में भी बहुत मजा आ रहा है। अरे आजा बेटा कुछ तो खेल ले। ये देखिए देखिए देख सर्कल सर्कल, ये देख सर्कल। आजा आजा अशर ये बहुत बढ़िया, ये स्क्वायर है। ये देख सारे लग गए। वाओ पापा शेप्स तो बहुत अच्छी होती है पर शेप्स को खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वाओ वाओ पापा क्या गिफ्ट मंगाया मेरे लिए, आई लव इट। तालिया। ऑनेस्टली पहली बार कोई ऐसे गिफ्ट्स हैं जो अशर को पसंद आए हैं, अदरवाइज ये किसी टॉय को हाथ भी नहीं लगाता था। अभी फाइनली से धीरे धीरे ना टॉयज का समझ आने लग जाएगा। बट ये टॉयज भी हमने बहुत सोच समझ के, हर्ष ने बोला था कोई ऐसा टॉय तो जरूर होगा जैसे उसको टिश्यू पेपर्स पसंद है, वैसे ना टिश्यू पेपर्स निकाल के इंजॉय कर पाएगा। तो फाइनली टिश्यू पेपर्स मिल गए हैं इसके लिए जो इसको हार्म भी नहीं करेंगे। और हर्ष यहाँ लगा हुआ है अपना ऑर्गेनाइजर करने के लिए तैयार। यार मेरे को तो लग रहा है बहुत छोटे हैं ये, तो बड़े हैं वो तो बहुत छोटे हैं भाई। तेरी शेप्स उसको ज्यादा पसंद आ गई लग रहा है। और बाय द वे जब तक हर्ष
क्रश कर रहा है अपना ऑर्गेनाइजर इंस्टॉल। मैं दिखाती हूँ आज किचन में क्या बना है। हम खाएंगे पपीता एंड मारिया स्पेशल कड़ी चावल। क्या बढ़िया मजेदार पकौड़े तले जा रहे हैं। अशर खो गया है इन दो टॉयज के बीच में। तो यहाँ बड़ी गंभीरता से हर्ष कोशिश कर रहा है इस बॉक्स को स्टैक करने की, पर उससे ये हो ही नहीं पा रहा। अशर बहुत हेल्प कर रहा है पापा की, बट तोड़ फोड़ मचा रहा है। मैं तोड़ फोड़ नहीं मचा रहा पापा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मम्मा पापा ने देखो बना लिया, वो डब्बा बन गया। देखो मम्मा मैं पपीता खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा पपीता कैसे खाते हैं। चलो छोड़ो मम्मा टाइम लगेगा। एंड फाइनली हर्ष ने रेडी कर दिया अशर का पूरा टॉय ऑर्गेनाइजर। अबे जा अशर के टॉयज लगाई, क्या करने लग गई, क्या अनबॉक्स कर रही है यार। इतने दिनों से ना जोलो चिप ने अपने मसाले भेजे हुए थे, मतलब रियली जोलो चिप ने अपने मसाले भी लॉन्च कर दिए। भाई उन्होंने अपनी तेरी सीक्रेट रेसिपी तेरे को दे दी। सीक्रेट जिससे वो अपने जोलो चिप बनाते हैं। राइट नहीं अबे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही मसाला है भाई। हर्ष चलने लग गया, ये चलने लग गया सही में। देखा नहीं वहां से वॉक करके आया पूरा। अबे नहीं अबे यार तो फिर क्रॉल करा। अशर चल के दिखाओ बेटा। करेगा करेगा बीच बीच में करता है। चुपचाप चुपचाप इसकी तरफ मत देख, इसकी तरफ मत देख, फिर करेगा। मसाला दिखाती हूं मैं तुम्हें। तो अपने आप में बिजी रहा, अभी उठ के आएगा। यार ये तो एक ही मसाले का डब्बा है, मेरे को लगा बहुत ज्यादा होंगे। देख एक्सट्रीमली हॉट। प्रेरणा यार ये तू ना हटा दे मसाला, ये तू मेरे खाने में डाल देगी। बता मुझे डर लगता है तुझसे, मेरे को दे दे ये मसाला। यार ये बहुत अच्छा मसाला है। जोलो चिप की सीजनिंग्स हर्ष पे करूंगा। जोलो चिप प्रैंक वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सीजनिंग। इसके अंदर और भी चीजें हैं, स्टिकर्स हैं इसके अंदर जोलो चिप के। भाई प्रेरणा सच में सीजनिंग है, इसको डाल के पिज्जा पे खिला दो जैसे मैंने तेरे को खिलाया था। भाई बहुत मिर्ची वाला पिज्जा बनेगा। वैसे कौन कौन चाहता है हम सबसे बड़ा पिज्जा बनाएं, आज बताओ कमेंट्स में। और उस पे जोलो चिप डालें। और ये देख जोलो चिप ने अपना किचन भी भेजा है। भाई ये खतरनाक किचन है, इसको गाड़ी की चाबी में लगा लेता हूं। हां लास्ट चिप। और क्या भेजा, और दिखाओ। और खाली डब्बा है। स्टिकर्स भी तो थे, स्टिकर्स स्टिकर्स स्टिकर्स। तेरे को पता है ये मेरे ख्याल से मसाला मसाले 300 रुपए का है। हैं हां काफी महंगा मसाला है। इसके अंदर ये वाले स्टिकर्स भी है देखो। तो भाई आज हो क्या रहा, आज आई थिंक अनबॉक्सिंग डे है, हर चीज की अनबॉक्सिंग हो रही है। और अभी चलते हैं, अब खाने के अनबॉक्सिंग करते हैं। कड़ी चावल बनाए हैं मारिया ने, वो खाते हैं। भाई डाल के दे यार प्रेरणा, चावल डालियो जरा, मैं कड़ी चावल खा रहा हूँ बस, अब तक पकौड़े एंजॉय करते हैं। तो पहले मैं बहुत परेशान रहा करती थी, अशर के टॉयज इधर उधर फैले रहते थे। और फिर मेरी जिंदगी में आया लाइफ चेंजिंग गैजेट, डोरेमोन का गैजेट। अब मेरी जिंदगी आसान होने वाली है क्योंकि मैं इसके सारे टॉयज इसमें ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो चलो कम ऑर्गेनाइज विद मी। अशर जैसा छोटू टॉय, अशर का ASMR वाला एलिफेंट जिससे अशर बहुत डरा था पहली बार, ऑक्टोपस का फेवरेट डॉगो। तो मीनवाइल अशर सो रहा था, मैंने उसके सारे टॉयज ऑर्गेनाइज करके पूरी अरेंज कर दी है। अभी एक ही में इतने सारे टॉयज आ गए हैं, तो बाकी तीनों में देखते हैं। तो चलो इसको तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, अब सोने चलते हैं। और हेलो प्रेरणा एक और, अरे ऑर्गेनाइज कर, कल करेंगे यार, थक गए यार। यार इसमें मेरे टॉयज रख दे, मेरे बचपन के टॉयज पड़े हैं, गाड़ियां पड़ी हैं। अच्छा कार, बहुत सुंदर सुंदर टॉयज हैं यार। हर्ष यस ले आ सामान, मैं कर देती हूँ ऑर्गेनाइज। अशर के सारे टॉयज मेरे धोने वाले हैं।